बीजो तो दे दिया जाए माले और रकम दिया है तो कोई भी चीज की स्लिप वगैरह तो वही दे दिया तो कहीं को नहीं मेरे को तो चलो वो अग्रीमेंट करवा से जी टाइम पर लिखवा लीजिए बताओ स्टैंप पर करवा की बात कराइए आप भाई स्टैंप पर करवा की बात करूँगा स्टैंप पर करवा जब तय करो काम करे तो डरबा की ड्यूटी की बिल्कुल साहब मैं तो पहली खेव को देखो इस टाइम मैं हां करती हूं चलिए यार भाई थे सुखरो सो नो काम कर ला तो ना काइंड रहे इस चीज को विश्वास नहीं दिलासा ना दूसरा तो बिल्कुल सही बात है जी मैं भी बार जमा ले मशीन दे आवा अगला सु वारंटी कार्ड ले आवा सारी चीज एग्रीमेंट पे होते लेटर पेड हो जे बकायदा तो आपनो लेटर पेड तो होई लो साइन पेड अब फालती ऑफिस में ले हाँ तो बी पर लेकर दे दी भाई तो पेमेंट मेरे का ना आ चुकी लेटर पेड तो बोलो ना बीम को दिक्कत को नहीं आजकल आज आप भाई साहब 5 रुपए की चीज खरीदा कोई दिक्कत वाली बात बिल दे हुआ अगलो अगर हम लेटर पेड भी ना सुना काटो ज्यादा दूर को नहीं हो रहे हो घंटा घर बिना स्टाम्प मिल रहा है 100 रुपए में बीम पर लिख के दे देते हैं कि भाई साहब मैं फलाना आदमी ऑफिस में जा रहा हूँ और 80 रुपए दे चुके और 80 में टिकट बुक कर दूंगा सीधी सी चीज है 10 मिनट का काम है सही बात नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई बल्दिया कंपनी के बारे में। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, जी हाँ, और दुबई की बल्दिया कंपनी बड़ी प्रसिद्ध है, खास तौर से भाई हमारे राजस्थान में, खास तौर से मेरा जो बेल्ट है सीकर चूरू झुंझुनू यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बल्दिया। नाम तो बड़ा अच्छा है बल्दिया का, जी हाँ। इसमें क्या होता है कि काम कम करना पड़ता है, तनख्वाह ज़्यादा लोगों को मिलती है, ऐसा लोगों का सोचना है। और बल्दिया के चक्कर में लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं। जैसे पहले हमारे बिलादिन के नाम से भाई लोग 1.5 लाख रुपए सऊदी का, दुबई का, कतर का आराम से दे देते थे। अभी तो बिलादिन का नाम ख़त्म ही हो गया, कोरोना की वजह से पहले ही ख़त्म था और कोरोना की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी बल्दिया के नाम से कुछ लोगों में पीछे से है ना वो हुक उठती है कि यार बल्दिया में जाएं। जी हाँ, तो 30 आदमी एक साथ ग्रुप बन गया इनका। हालांकि ग्रुप अलग अलग थे ये लोग, तो अब देखिए वही है ना कि जो चीज़ ज़्यादा जिन ट्रेंड में जिसकी चीज़ की ज़्यादा मांग होती है वो मार्केट में लोगों को लाना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग इसी के लायक हैं, इसी के चपेट में आने वाले हैं। जी हाँ, तो भाई हमारे राजस्थान में सीकर पड़ता है, सीकर में चूरू डिस्ट्रिक्ट में रतनगढ़ तहसील है, और वहाँ पर एक ऑफिस थी। जी हाँ जी, ऑफिस में दो बंदे थे, दो बंदे बैठ के एक गेम प्लान किया, लगभग 30 लोग एक साथ उनसे जुड़ गए, 30 लोगों को उन्होंने टिकट भी दे दी और वीज़ा भी दे दिया। जी हाँ, अब वीज़ा उन्होंने चेक किया नहीं किया, वो नकली थे क्या थे वो तो उनको पता होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर बात करें कि देखिए भाई, हमेशा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोशिश हमेशा मैन पावर ऑफिस में जाने की करें, अगर मैन पावर ऑफिस से नहीं जाओगे ना तो कुछ भी हो सकता है। साइन टूर ट्रेवल्स के नाम से ऑफिस खोली गई, बंदों को स्टाम्प पे पूरा लिखित में दिया गया, अपने आधार कार्ड भी दिए गए, सब कुछ डॉक्यूमेंट दे दिया कि भाई मैं आपके पैसे खाने वाला नहीं हूँ। और ये बंदे की लोगों ने वीडियो भी बना ली, ये वीडियो भी मेरे पास में पड़ा है। तो इसने बल्दिया के नाम से 1600 सैलरी, 5 घंटे ड्यूटी प्लस 2 घंटे ओवर टाइम या फिर खाना, इस तरह से कुछ था। तो बंदे को लगा कि 40-50 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लेंगे, 80 हज़ार रुपये में डील हो गई थी, इनको टिकट दे दी। आप देख सकते हैं 30 लोगों की टिकट है एक साथ में, सबको वीज़ा दे दिया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद कुछ समय तक इन लोगों की बात होती रही, बात होने होते होते भाई अचानक से एजेंटों के फ़ोन हो गए बंद। जी हाँ, तो अब ये अलग अलग लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई कहाँ कौन से थाने में जा रहा है, कोई कहाँ कौन से थाने में जा रहा है, अभी तक मेरे पास कोई FIR की तो कॉपी इन्होंने दी नहीं है। हालांकि एप्लीकेशन दे रहे हैं उस थाने में, ये थाने में, ये कर देंगे वो कर देंगे, अब इनका क्या होगा भाई। ये 30 लोग हैं, इनसे एक दो से मेरी बात होती है, अभी तक भी ये लोग सामने आने से डर रहे हैं। जी हाँ, इन लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि पैसे खा गए लेकिन सामने आ जाओ, सोशल मीडिया पे आना होगा या फिर आपको सामने आना पड़ेगा तभी तो कुछ समाधान होगा ना इनका। लेकिन भाई वही है, हम तो आपके हमारे घर बैठे हैं, आप हमारा वीडियो बना के डाल दो और हमारा पैसा एजेंट दे देगा,
ऐसा लोगों की सोच होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक स्वर्ग किसने देखा भाई, खुद मरोगे तो स्वर्ग दिखेगा। आप लोग घरों में बैठे और मेरे को बोलते हो वीडियो बना के डाल दो और आपको हमारा कुछ हेल्प करो, क्या हेल्प करें भाई? आप लोग घरों में बैठे हो, आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि सब 30 के 30 लोग मिल के या कितने भी लोग मिल के कुछ अलग किया जाए, लेकिन नहीं जी। अब इनकी लोकेशन निकाल रहे हैं, लोकेशन भी भेज रहे हैं, मेरे चूरू की लोकेशन आ रही है, रतनगढ़ की आ रही है, कोई जयपुर का बता रहा है। दो बंदे बताए जा रहे हैं कि हमारे पैसे लेके भाग गए। अब ये बंदे कहाँ हैं, क्या हैं? अगर आप लोग पीछे पड़ो ना हाथ धोके, तो पुलिस है ना, पुलिस आप ही के लिए है भाई, लेकिन पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाते हो ना, तब पुलिस हरकत में आती है। ऐसे कौन हरकत में आएगा, क्या जरूरत है भाई? पुलिस एरिया है बड़ा, पुलिस के ऊपर का वर्कलोड होता है, उनको क्या मतलब है भाई? आपके पैसे गए, आप लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है। कितने पैसे दिए, क्या दिए, पूरे पैसे आपने लोगों के पास वीडियो पड़े हैं पैसे देते हुए कि, कहने का मतलब है कि ये पैसे अगर आप कोशिश करोगे तो ये एजेंटों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये मारवाड़ी अपनी लोकल भाषा में बात कर रहे हैं। 100% ये बंदे यहीं के हैं, कोई बाहर का तो नहीं है कि आपने चंडीगढ़ में दे दिया, पंजाब में या दूसरे स्टेटों में पैसे दे दिए। ये बंदे भी यहीं के हैं, आप भी यहीं के हो, लेकिन सामने तो आना पड़ेगा ना, ऐसे तो पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए भाई सावधान, बार बार मैं तो बोलता हूँ कि हमेशा ध्यान रखें मैन पावर ऑफिस। अब ये बंदे लालच में आए ना, क्योंकि मैन पावर वाले तो ऐसा काम नहीं करते, 1600-1800 तनख्वाह दे देंगे, 80,000 में हम भेज देंगे, समझ रहे हो? उनके पास तो जो जेनमेन होता है वही काम करेंगे। हमेशा गवर्नमेंट अथोराइज राजस्थान में 40 से 50 मैन पावर ऑफिस हैं, राजस्थान के बाहर भी भाई 1500-1600 से ज़्यादा ऑफिसें पड़ी हैं, ये एड्रेस हैं उनमें ऑफिसों के। अगर आप इन ऑफिसों के द्वारा जाओगे ना, तो आपके साथ तो ठगी होगी नहीं, लेकिन आपको चाहिए ना ज़्यादा पैसा कम पगार, ज़्यादा पगार कम पैसे में जाने वाला, तो फिर आपके साथ तो दिक्कत आएगी, क्योंकि लालच में आप फंसते हो, दूसरा तो कोई फंसता नहीं है। तो हमेशा मैन पावर ऑफिस के द्वारा जाओ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि पूरी डिटेल आपको मिल जाए और कोई आपके साथ ठगी धोखाधड़ी नहीं कर सके, तो ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी हिम्मत है तो आप परचेज कीजिए। कि जो लूट गए वो तो लूट गए, लेकिन यार कम से कम नए बंदे हैं वो तो फंसने से बच सके ना। बस ये अपडेट देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।